मेरी वॉइस आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल टू ऑल? ओके, तो ध्यान से देखना, मैं दोबारा दिखाता हूं, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सबको स्लाइड विजिबल है वाली? कम ऑन, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से बताओ, स्लाइड विजिबल है? यस सर। ठीक है, तो जो ये आपको रेजिस्टेंस की शेप में लॉन्ग चेन दिख रही है ना, ये क्या है? ऑयल अट्रैक्टिंग, ऑयल के साथ अट्रैक्ट करेगी, अपनी कैटिनेशन से बनाएगी, क्योंकि ऑयल में भी कार्बन होता है। और ये क्या है? वॉटर रिपेलिंग। वॉटर रिपेलिंग का मतलब क्या हो गया? क्या बताया था मैंने अभी? हाइड्रोफोबिक। और सोडियम, ऑयल अट्रैक्टिंग का एक बार फिर से बता दो। देखो, ऑयल अट्रैक्टिंग का मतलब ऑयल में कार्बन होगा क्या इसमें? यस सर। और कैटिन, कार्बन की क्या प्रॉपर्टी है? वो बहुत जल्दी जल्दी सेल्फ लिंकिंग कर लेते हैं। यस सर। अब सोप में भी क्या है हमारे पास? सोप में भी क्या होता है? कार्बन। तो वो ऑयल वाले कार्बन के साथ क्या करेगा? इंटरैक्ट करेगा और सेल्फ लिंकिंग करके अपनी चेन बना लेगा, वो जो आपको यहाँ पे दिख रही है ओके सर। है ना। तो क्या सोप का साइज रिड्यूस होता जाता है? क्या सबने नोटिस किया है? तो इसका मतलब यह है कि जो सोप का साइज रिड्यूस हो रहा है ना, एक्चुअली क्या है, उसमें सारा कार्बन जो मटेरियल था वो ऑयल में जा रहा है, ठीक है? तो जब कार्बन कार्बन लिंक करेगा तो उसमें हाइड्रोजन भी यूज होगा या सिर्फ कार्बन? हाँ, हाइड्रोजन भी चला जाएगा। वैसे हाइड्रोजन वो एच फिलिंग करने के लिए होता है बस, ओके सर। है ना। तो हाइड्रोफोबिक जो ग्रुप होगा ना, वो कौन सा रह जाएगा? यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? हाइड्रोफिलिक एंड Na+, ठीक है? ठीक है, तो होगा क्या, जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो किस में एंटर कर जाएगा? वाटर में। और जो सोप का हाइड्रोफोबिक एंड है वो किस में एंड कर जाएगा? ऑयल में। तो क्या ऑयल वाटर के ऊपर तैरता है? क्या ऑयल वाटर के ऊपर तैरता है, सबको पता है? यस सर। तो आपको डर्ट, डर्ट जो मोस्ट मोस्ट ऑफ द डर्ट इज ऑयली इन नेचर, तो वो कहां मिलेगी आपको? डर्ट पानी के ऊपर मिल जाएगी। आपको समझ में आ रहा है कि वाटर मतलब सोप करता क्या है जाने के बाद वाटर में? जब हम सोप सॉल्यूशन लेते हैं, सोप को पानी में मिलाते हैं, और जब हम जो भी हमारा क्लॉथ है उसके ऊपर जो डर्ट लगी हुई होती है उसको उसके ऊपर रब करते हैं, तो सोप में से कौन सा एंड ऑयल के साथ जुड़ जाएगा? हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब होता है ना डरना, वाटर से डरता है वो, कार्बन वाला। कार्बन वाला ऑयल के साथ चिपक जाएगा, और जो नॉन हाइड्रोफोबिक है मतलब हाइड्रोफिलिक, वो वाटर में रहेगा। तो ऑयल और डर्ट, जो ऑयल डर्ट डर्ट था और जो सोप का कार्बन वाला पार्ट है वो आपको अलग हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? दोबारा समझाऊं ये वाला टॉपिक, वन बाय वन पूछ लेता हूं मैं। एंजल, थोड़ा बहुत समझ में आया या आ गया पूरा समझ में? सर आ गया समझ। और नेक्स्ट ओजस, सार्थक समझ आया? दोबारा बताऊं, अरुषि? सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा, एक सेकंड समझाना। दोबारा बताऊं? देखो, दोबारा बताता हूं। हमने क्या किया, हमने एक वाटर 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 लिया, ठीक है, और उसके अंदर क्या मिला दिया बच्चे? सोप। सोप के अंदर क्या होगा? CH3COONA, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हमने ना एक क्लॉथ लिया, क्लॉथ, ठीक है, उसके ऊपर ऑयल लगा हुआ है, येलो कलर का ऑयल है, उस ऑयल में क्या होगा? कार्बन होगा। तो जैसे हमने सोप इसमें रब किया, इसमें सोप, ठीक है, तो क्या होगा,
जो कार्बन वाला पार्ट है वो किसके साथ सेल्फ लिंकिंग करने लगेगा, जतिन बस 2 मिनट्स, ओजस किसके साथ सेल्फ लिंकिंग करेगा वो कार्बन के साथ। यस सर, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑयल के, ये जो ऑयल है और जो सोप है उसमें से जो सोप में जो कार्बन वाला पार्ट है वो दोनों आपस में अटैच हो गए और सोडियम को उन्होंने डिटैच कर दिया, सोडियम को, ठीक है। तो पानी के ऊपर डर्ट जो कि ऑयली इन नेचर था और सोप का वो वाला पार्ट जिसमें कार्बन था वो अलग हो गए और वाटर अलग हो गया। आया समझ? अब वो वाटर के अंदर क्या है, सोडियम प्लस, सोडियम की कैटायंस है उसके अंदर। अब जतिन आप बोलो। पूछना था कि जो सोडियम कैटायन है वो हाइड्रोजन H2O के साथ रिएक्ट करेंगे। यस बच्चे बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यस मानवी सर, तो मतलब इसका बस ये पर्पस है कि क्लोथ से जो ऑयल को सोप की हेल्प से क्लोथ को पे जो ऑयल है उसे अट्रैक्ट कर लिया या फिर सेल्फ लिंकेज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ये आज करके भी देख सकते हो घर में, याद कर जब भी आपको लगे सोप सॉल्यूशन लेना, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा उसको रब कर देना सोप को उसके ऊपर, ऑयल के ऊपर जिस जो भी आपका दाग लगा हुआ है उसमें, ठीक है, और अपने आप ही थोड़ी देर में आपको दिखेगा कि वो तैरता हुआ दिखेगा जो डर्ट होगी। अभी और किसी बच्चे ने भी हैंड रेस किया था, बोलो बच्चे। ओके अच्छा, किसी को पता है इमल्शन क्या होता है? इमल्शन, किसी को पता है इमल्शन क्या होता है? सो उसको स्मॉल पीसेस में कर देना फिजिकली। बिल्कुल सही, इमल्शन। तो लिक्विड इन लिक्विड इमल्शन, तो छोटे छोटे पार्ट्स निकल के आ गए। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना जो मैं बॉक्स बना रहा हूं इसका नाम है मिशेल, ठीक है। तो क्या कोई बता सकता है ये क्या है, ये बॉक्स जो मैं बना रहा हूं, एनीवन, इसका नाम क्या है? याद रख लो, सोप मॉलिक्यूल। तो कितने सारे सोप मॉलिक्यूल्स है? बहुत सारे। तो बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स मिला के क्या बना लेंगे? मिशेल। क्लियर? ओके अरुषि, क्लियर हुआ? क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। ओके जतिन, मानवी, शिवांग? यस सर। ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगा या लगा है? नो सर। ओके तो मानवी एक बार रीड करना जो मैं बॉक्स बना रहा हूं। The soap Michelle thus helps in pulling out the dirt in water and we can wash our clothes clean. ठीक है, किसी को पता है कोविड में हाथ धोने क्यों जरूरी थे? बहुत ज्यादा बार हाथ क्यों धोने थे? बहुत बार बार वो कह रहे थे हाथ धो सोप से। जस्ट इसी से एग्जाम्पल लो जो मैंने अभी कराया है, कोविड में बार बार हाथ धोने को क्यों कहा जा रहा था? सर माइट बी क्योंकि जो एनवायरनमेंट में डस्ट है उसके साथ कोविड जो है वो अटैच हो, जब हम हैंड्स धोएंगे तो डर्ट भी हिल जाएगा। मान लो आपके हाथ में कोविड कोविड का वायरस था, अब बताओ उससे सोचने की कोशिश करो, आपने जब उसे सोप सॉल्यूशन से धोया तो क्या हुआ होगा? सर कोविड का वायरस भी डर्ट की तरह पुल होके अलग हो जाएगा। यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थोड़ा बहुत समझ में आया जो मैंने बताया? इसके बारे में अगर डिटेल में कभी डिस्कशन करना हो तो हम करेंगे, ठीक है। वैसे तो देखो इस चैप्टर में सिर्फ डिटर्जेंट्स बचा है, उसके बारे में भी कराई देता हूं मैं, ठीक है। और वो होमवर्क में सबको रीड करना है जो मैंने आपको दिया है। सबके पास बुकलेट्स है ना? यस सर। ओके तो क्या कभी आप सब जब माउंटेन एरियाज पे गए हो तो क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि जो वहां का पानी होता है वो हार्ड होता है, जो जिसकी वजह से हाथ अच्छे से प्रॉपरली धुलते नहीं है, पूरी तरह से हैंड वॉश नहीं होते, आपको लगता है कुछ स्टिकी सब्सटेंस आपके हाथ में रह गया है, आप काफी बार उसको धोने की कोशिश करते हो? एनीवन, अगर किसी के साथ हुआ हो या कहीं पर भी हुआ हो कभी भी
नॉट हिली एरियाज कहीं पर भी, हार्ड वाटर। ओके, तो हार्ड वाटर पे सोप इफेक्टिव नहीं होता। हार्ड वाटर पे सोप इफेक्टिव क्यों नहीं होता, क्योंकि हार्ड वाटर में क्या होता है वो आरुषि रीड करेगी यहाँ से फर्स्ट पॉइंट। हार्ड वाटर हैज सर्टेन मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन इट सच एज कैल्शियम और मैग्नीशियम। When hard water and soap is mixed, the magnesium ion reacts with soap molecules to form and forms a solid material called a precipitate, which does not dissolve. This precipitate, soap scum, reduces the ability of the soap to make bubbles. Detergents are generally sodium salts of sulfonic acids or ammonium salts with chlorides or bromides ions, etc. Both have long hydrocarbon chain. The charged ends of these compounds do not form insoluble precipitates within the calcium and magnesium ions in hard water. Thus, they remain effective in hard water. Okay. तो ये सब आपका होमवर्क है, जो अगर आपको स्क्रीन इसका स्क्रीनशॉट ले रहा है, जो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो आप ले सकते हो, लेकिन आपको सबको इसका होमवर्क जरूर करना है, ठीक है, कि डिटर्जेंट्स क्या होते हैं और हार्ड वाटर क्या होता है। क्लियर? तो कैसा लगा ये वाला चैप्टर सबको अभी तक? कम ऑन, मेमोराइज करने के लिए लगा, बट वैसे इजी है समझ में आ गया। ओके, आरुषि? यस सर। चैप्टर ठीक लगा? बस इतना ही है चैप्टर में? सर स्टार्टिंग में मुश्किल लगा था, ऐसे लग रहा है दोबारा रीडिंग करनी पड़ेगी, बाकी से समझ आ गया सब। ओके, जतिन? सर इजी लगा। ओके, ओजस? सर इसमें कंटेंट बहुत सारा है तो रिवाइज करना पड़ेगा कई बार। ओके ओके ओके। सार्थक? सर लॉजिकली समझ में आ गया, बस रिवाइज करना पड़ेगा। शिवांग? सर मॉडरेट था, मेमोराइज करना पड़ेगा। मानवी? सर इंटरेस्टिंग लगा, बट सर नॉमेनक्लेचर में प्रॉब्लम हो रही है, वो मैं कराऊंगा अभी, उसके लिए मैंने अभी स्लाइड्स छोड़ रखी हैं, वो मैं दिखा देता हूँ, वही हम आगे करेंगे, ठीक है, ये वाली है वो, ये सब मैं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप सबको, काफी बच्चों को साइंस लेनी है, तो करेंगे ये वाला आगे, आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन। Thank you, sir. Okay.